हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ सीए कार्तिक जोशी और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट्स, टैक्स ऑडिट ड्यू डेट्स एंड पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 असेसमेंट ईयर 21-22। लेट्स स्टार्ट। आज के लिए हम टॉपिक्स कवर करेंगे ड्यू डेट्स रिटर्न फाइलिंग एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज, पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिवाइज टाइम लिमिट फॉर रिवाइज एंड बिलेटेड रिटर्न एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ पोर्चुगीज सिविल कोड। स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल्स एचयूएफ जो नॉन ऑडिटेड केस के अंदर आते हैं, लाइक सेलाइड है, जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स है, जो प्रिजम्प्टिव प्रॉफिट्स में जाते हैं 6% और 8% टर्नओवर बता के अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उनके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई। पर जो ऑडिट केस के अंदर आते हैं, लाइक कि जिनका टर्नओवर 6% के क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा, 8% नहीं बैठ रहा, लोअर देन दैट आ रहा है, और जो ऑडिटेड में जा रहा है, जो ऑडिट करवा रहे हैं सीए के पास से, उनके लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 31 अक्टूबर 2021। आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप फर्म्स एंड इट्स पार्टनर्स, तो इसके अंदर भी दो तरह से डिवाइड होंगे, ऑडिट नॉन ऑडिट। से फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म ऑडिट में है तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म ऑडिट में है तो उनके टैक्स ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट है 30th सितंबर। लाइक अगर ऑडिट करवा रहे और उन सीए के पास से जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसकी डेट है 30th सितंबर, पर उनकी रिटर्न फाइलिंग डेट है 31 अक्टूबर। अगर उनकी पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर है तो उनके पार्टनर्स की भी डेट 31 अक्टूबर है, ना कि 31 जुलाई है। तो ये ध्यान रखना कि जो पार्टनरशिप फर्म ऑडिट में है उनके पार्टनर्स की एप्लीकेबल डेट भी 31 अक्टूबर हो जाती है। पर अगर उसके अलावा अगर हम देखने जाए कि जो नॉन ऑडिटेड में आते हैं पार्टनरशिप फर्म, जैसे फॉर एग्जांपल वो 8% टर्नओवर बता रहे हैं, 6% बता रहे हैं, प्रेजेंटली प्रॉफिट्स में जा रहे हैं, या तो फिर वो 50% टर्नओवर के क्राइटेरिया में जाते हैं, 50% प्रॉफिट वाले हैं, तो उस केस के अंदर उनके लिए आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट हो गई 31 जुलाई। तो अगर पार्टनरशिप फर्म की डेट 31 जुलाई है तो पार्टनर्स की डेट भी एप्लीकेबल 31 जुलाई हो जाएगी। खास करके बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि अगर पार्टनरशिप फर्म का रिटर्न ड्यू डेट करना है तो पार्टनर्स के रिटर्न कब भरना है, तो उनकी डेट और पार्टनर्स की डेट, फर्म की डेट और पार्टनर्स की डेट एक ही होगी, ये खास करके ध्यान रखा जाए। आगे बढ़ते हैं कंपनीज। अभी कंपनीज में दो तरह से डिवाइड होगा, नॉन ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट। अब अगर देखने जाए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट क्या होता है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग उसको एप्लीकेबल होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज करते हैं या तो फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके लिए शायद मैं कुछ अलग से वीडियो बना दूं, पर आज हम देखते हैं सिर्फ टैक्स ऑडिट का ड्यू डेट। तो या तो उनकी डेट आएगी 31 अक्टूबर जो नॉन ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर हुए है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर हुए है उनके लिए डेट है 30th नवंबर। आगे बढ़ते हैं पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग। अगर एनी अमाउंट ऑफ इनकम, अगर आपकी इनकम कोई भी स्लैब में फॉल हो रही है, भले वो लाख रुपए है या 1 करोड़ है, पर अगर आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हो रिटर्न तो लेट फाइलिंग फीस नील है। पर अगर से फॉर एग्जांपल आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड हो रही है 5 लाख रुपीज से, 5 लाख से और आप आफ्टर ड्यू डेट, से फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपके लिए 1000 रुपीज की लेट फाइलिंग फीस एप्लीकेबल होगी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस कर रही है, मतलब अबाउ 5 लाख रुपीज है, और आप ड्यू डेट क्रॉस करके रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपके लिए लेट फाइलिंग फीस होगी 5000 रुपीज। तो ये खास करके ध्यान रखा जाए, लेट फाइलिंग में ना जाए, बिफोर टाइम अपने रिटर्न फाइल करके नॉन कंप्लायंस और नॉन पेनल्टी से बचे, या तो पेनल्टी क्लॉज से बचे। रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न, अभी फाइनेंस एक्ट 2021 में एक नया प्रोविजन आया है, ये क्या कह रहा है कि टाइम लिमिट फॉर रिवाइज एंड बिलेटेड रिटर्न हैज बीन रिड्यूस बाय 3 मंथ्स। Therefore, what it says that the last date for to file the revised or belated returns shall be 31st December. It means कि पहले अगर हम रिटर्न 31 जुलाई तक भी फाइल करते थे तो हमारे लिए मार्च तक हम रिटर्न रिवाइज कर सकते थे या बिलेटेड रिटर्न मार्च तक फाइल कर सकते थे, पर इस बार का बजट का जो प्रोविजन है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम 31st December के बाद रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। फिर गॉड नोस कुछ अमेंडमेंट या फिर फ्यूचर में कुछ चेंजेस आए तो अलग बात है, पर अभी जो दिख रहा है 3 मंथ्स रिड्यूस किया है, मतलब 31 मार्च से 31 दिसंबर कर दिया है, तो हम आईटीआर 31 दिसंबर के बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी अगर हमने ड्यू डेट से फॉर एग्जांपल 31 जुलाई है या 30th सितंबर है उसको क्रॉस करके फाइल किया तो हमें 1000 और 5000 की फाइन तो लगनी है। तो मैं सबसे सजेस्ट करूंगा अपने सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स और सारे कलीग्स सबको ये सजेस्ट करूंगा बिफोर ड्यू डेट्स अपने रिटर्न फाइल कर लें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पोर्चुगीज लॉ क्या कहता है, वो क्या कहता है, सेक्शन 5 रिक्वायर्स एन इक्वल अपोर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन द स्पाउस गवर्न बाय द पोर्चुगीज सिविल कोड। अगर पोर्चुगीज सिविल कोड अप्लाई हो रहा है वो किसको अप्लाई होगा, वो अप्लाई होगा स्टेट ऑफ गोवा एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन। अगर इसके अंदर कोई रह रहा है और उसको ये पोर्चुगीज लॉ अप्लाई हो रहा है तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर उस केस के अंदर अगर वो पार्टनरशिप फर्म फॉलो कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर फर्म अगर ऑडिट में लायबल नहीं है
अगर ऑडिट में लायबल है, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट के अंदर चली गई तो क्या होगा? अगर ऑडिट में लायबल नहीं है तो फर्म का रिटर्न तो हमने आगे जैसे देखा कि 31 जुलाई है, पार्टनर का रिटर्न भी 31 जुलाई है, पर उस केस में उसके स्पाउस क्यों कवर होगा यहाँ? क्योंकि उसकी इक्वल अपोर्समेंट, उसकी जो इनकम होगी स्पाउस की वो भी कवर होगी, मतलब पार्टनर की इनकम यहाँ कवर होनी है या तो इसकी इनकम यहाँ जानी है, उस केस के अंदर उसका रिटर्न का डेट भी 31 जुलाई है। चलो ये बात तो सही है कि ड्यू डेट 31 जुलाई सबको पता है, पर से फॉर एग्जाम्पल वो ऑडिटेड के अंदर आ गया, ऑडिटेड के अंदर आ गया तो उस केस के अंदर स्पाउस की ड्यू डेट आएगी 31 अक्टूबर, ना के 31 जुलाई। से फॉर एग्जाम्पल सेम वो ट्रांसफर प्राइसिंग में चला गया, अगर उनके कंपनी में डायरेक्टर है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के इन्वॉल्व हुए है उनके पार्टनर या स्पाउस, उस केस के अंदर उनकी ड्यू डेट आएगी 30th नवंबर। तो आज के लिए इतना ही। अगर खास करके ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मार्च क्लोज हो चुका है, अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट हो गए हैं, सबके गवर्नमेंट की यूटिलिटीज आ गई है, आईटीआर की यूटिलिटीज आ गई है, तो अपना डेटा कलेक्ट कीजिए, प्रोफेशनल्स को कोऑर्डिनेट कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए या खुद रिटर्न फाइल कीजिए, पर रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल कर लीजिए ताकि आपको पेनल्टी और नॉन कंप्लायंस का बर्डन ना आए। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।